सो गाइस, कई बार हम लोगों ने सिनेमा हॉल्स के अंदर या फिर शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाकर 3D मूवीज़ तो देखी ही होगी। गाइस, हम सभी ने 3D मूवीज़ को एक्सपीरियंस किया है, 2D मूवीज़ को भी एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ 2D, 3D, 4D, 5D, 6D के बारे में। इन सारे D के बारे में आज हम बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर और आप देख रहे हैं मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिकली 3D मूवी के अंदर होता क्या, तो आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन होती है और आपके आंखों के ऊपर एक चश्मा दिया जाता है जिसे 3D ग्लासेस कहा जाता है। गाइस, उन चश्मा को पहनने के बाद, उन ग्लासेस को पहनने के बाद आप स्क्रीन को उभर के देख सकते हैं। मान लीजिए अगर देख 2D वीडियो लगे ना, अगर 3D वीडियो होता तो आप मेरी डिप्थ को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आप इसके डिप्थ को एनालाइज कर सकते हैं, मेरी बैक सीट को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उभर के आएगी गाइस 3D मूवी के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जजमेंट ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ आगे कौन सी पीछे, इसे कहते हैं 3D मूवी का एक्सपीरियंस। सो गाइस, अब बढ़ते 4D की तरफ। तो गाइस, 4D मूवी के अंदर होता क्या है, बाय चांस आपको 3D स्क्रीन और 3D ग्लासेस ही दिए जाते हैं। लेकिन 4D मूवी के अंदर होता है कि अगर मैं आपका एक सीन के बारे में बात करूँ, तो एक सीन ऐसा लीजिए जहाँ पे कार है, कोई भी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के लिए, मतलब मीनिंग है तो किसी भी तरह की कार लीजिए, वो कार किसी ट्रैफिक को बाईपास करते हुए निकल रही है तेजी से, तो साथ ही आपकी सीट भी बाईपास करती हुई जाएगी। मीन्स कि अगर कार राइट जा रही हो तो आपकी सीट भी राइट में टर्न होगी। अगर कोई बंदा है, कोई इमारत है, अगर हीरो अगर ऊपर बिल्डिंग की तरफ अगर ऊपर नजर करते हुए देख रहा है, तो आपकी सीट भी पीछे की तरफ झुकेगी। अगर बारिश का सीन आ रहा है तो आपके ऊपर भी पानी आएगा। अगर गोली अगर आपके कान के तरफ से जा रही, तो आपके सीट के पीछे सीट दोनों तरफ से दो होल होंगे जहाँ से गर्म एयर, हॉट एयर प्रेस की जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा गोली आपके कानों के बीच में से गई है और आप स्पेशल मूवी के अंदर डिपेंडेंट है, आप मूवी के अंदर बैठे हुए हैं गाइस। तो इसे कहते हैं 4D मूवी का एक्सपीरियंस, जो कि मैं आपको आगे प्रोमो के अंदर दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरह से अवेलेबल है। तो देखिए प्रोमो। DX. Dermal, you're right, huh? Now I ain't scared to kill you right now, punk. You wanna fucking die? Oh shit. सो गाइस, आप बढ़ते 5D मूवी की तरफ। प्रोमो आई होप आपको अच्छा लगा। तो गाइस, 5D मूवी के अंदर होता क्या, तो गाइस 5D मूवी के अंदर आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप 5D मूवी अभी आने बाकी है। खाके इंडिया में तो अभी तक 4D का भी पता नहीं चला है, लेकिन 5D की अगर बात की जाए तो 5D एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की तरफ डिपेंड करती है। जैसे कि आपको थिएटर के चारों तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन मिलेगी। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मेरा बोलना खत्म होता है, अगर मेरे साथ वाला कोई बोलता है, तो आपकी सीट उसकी तरफ टर्न हो जाएगी। मतलब और भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा 5D के बारे में अगर बात की जाए। 5D का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, लेकिन 6D, 7D ये सब बेकार की बात है। बस हॉल टिकट के ऊपर या फिर कहीं पे भी टिकट के ऊपर लिख देते हैं 7D, 9D, 11D, ये सब बेकार की बात है। तो हमें डीज की तरफ ना ध्यान देना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4D के तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में जल्द से जल्द 4D अवेलेबल हो जाए। तो गैस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे इसी तरह के टेक्नोलॉजी के फैक्ट वाले वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी तरह का वीडियो देखना चाहे, तो मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हमेशा नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, वंदे मातरम।